बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन, मैं हूँ आफ्ताब मुगेरी। कल से पाकिस्तान की तारीख बदलने की बात हो रही है और पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यकीनी तौर पर मैं भी बाहर रहा हूँ। जब आप अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपने शहर से, अपने गांव से दूर होते हैं, तो शायद नस्बता मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा उनकी मोहब्बत जो है पाकिस्तान से होती है। मगर कल वो मोहब्बत नज़र आई जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के उस इस्तकबाल में, और जहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरी अमेरिका ना सही मगर कनाडा, बरतानिया और पाकिस्तान के दीगर अजला से लोग जो है उस कह सकते हैं कि तारीखी इस्तकबाल के लिए जनाब इमरान खान के लिए वहाँ पहुँचे। और कल रात टीवी स्क्रीन पे दुनिया भर ने वो मनाजर देखे जो कि एक तारीखी मनाजर कह सकते हैं। पाकिस्तान में ना सही ये पहले वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दावा कर रही है कि इतना बड़ा उनका रिसेप्शन और इस्तकबाल किया गया पाकिस्तानियों की जानिब से। मगर इससे हट के भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को भी तारीखी इस्तकबाल का मौका मिला ना सही पाकिस्तानी, मगर उन अमरीका के सेनेटर्स और उन अमरीका के सरबराहान की तरफ से जो के तारीख में आया है। बेनज़ीर भुट्टो के ये वो मनाजिर हैं जो आज मैं टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी ममालिक की पहली खवातीन वज़ीर आज़म बन के गई तो उनको सेनेट के तमाम लोगों ने उठ के उनका इस्तकबाल किया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तानी किसी भी ऐसे शख्स का या शख्सियत का इस तरह से इस्तकबाल किया गया हो। माना कि उसमें दो बातें थीं कि वो एक तो पहली इस्लामी ख्वातीन ममालिक की वज़ीर आज़म थी, और इसके साथ साथ वो कह सकते हैं कि ऐसी खातून जिन्होंने आमरियत के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये इस्तकबाल देख के आज भी आने वाले वक्त में हमारी आने वाली जनरेशन यानी कि कह सकते हैं कि वो कहेगी कि आखिर पाकिस्तान के ऐसे भी हुक्मरान आए और रहे जिनका इस्तकबाल इस तरह से किया गया। मगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो दावा करने में काफ़ी हद तक कामयाब थी कि शानदार इस्तकबाल किया गया लोगों की तरफ से, मगर पाकिस्तान के पहले ये वज़ीर आज़म कह सकते हैं कि जिन्होंने लैंड किया, जिनको अभी तक जो मनाजर नज़र आ रहे हैं कि वो सादगी की तरीके से गया और वहाँ पहुँचा, मगर अमेरिकन हुकाम की तरफ से कोई भी रिसीव करने नहीं आया। इसी पे बात करेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो अपने पैनल तरफ करवाऊंगा और बड़े अहम सवाल आते हैं आज उठाएंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आज बात करेंगे पाकिस्तान के उस तारीखी मनाजिर की जिसको जो आज और कल कह सकते हैं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में नज़र आए, यानी कि तय है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का दौरा अमेरिका बड़ा अहम है। मगर मेरे आज मौजूद मेहमान, मैं तारुफ कराता चलूँ, खालिद मंता साहब, सीनियर कानूनदान है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसरार अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसन थेबो साहब सीनियर तजिया निगार हैं, वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इसी तरह शमीम मंता साहिबा रुकन है सिंध असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो भी बजरिया टेलीफोन हमें ज्वाइन करेंगी। मगर आज तारीखी मनाजिर की तरफ, जो आज का मौजू है बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा, थोड़ी देर के बाद वाइट हाउस में पहुँचेंगे जनाब इमरान खान, और वाइट हाउस के बाहर के मनाजिर जो हैं वो भी बड़े अहम हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग जो अपने वज़ीर आज़म को पहली दफ़ा वाइट हाउस में आने के लिए वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कर रहे हैं, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ यानी कि कह सकते हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब इमरान खान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तमाम लीडरशिप को उन्होंने जेल में डाला है उनको फौरी रिहा किया जाए। खालिद मंता साहब क्या कहेंगे कि आज के ये तारीखी मनाजिर जो कल नज़र आए, उन्होंने वहाँ पर भी कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस लाएंगे, NRO मांगा जा रहा है, और कई ममालिक से सिफारिशें आ रही हैं, और मखसूस उन्होंने कहा, किसी बादशाह ने मुझे कहा, शहजादे ने, कि जी इनको NRO दे दें। सर फिर NRO क्यों मांग रहे हैं आप लोग, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया। भैया प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई पहली बार नहीं कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने तो इससे पहले भी कई बार ये कहा है कि मुझसे NRO मांगा जा रहा है, जबकि जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है
ان سب نے ہمیشہ یہ کہا, چاہے خاقان عباسی ہوں یا چاہے نواز, کس نے کہا ہے؟ مانگ کروں رہا ان سے, اور کیا یہ خود این آر او دے سکتے ہیں؟ وزیر اعظم اس پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ این آر او دے سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جو ایک سیاسی اعتبار سے کی جاتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صاحب وہ اگر ان سے این آر او مانگا جا رہا ہے تو کن شرائط, وہ بھی شرائط ڈکلیئر کر دیں. اگر جو چیزیں اگر ہیں کہ فلاں نے کہا تو میرے بھائی کلیئر کرنے میں آپ کو کیا دیر لگتی ہے؟ وہ جو کہتے ہوئے جیسے عباسی صاحب ہی کہتے ہوئے گئے, میں تب بھی ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا, میں جیل میں رہوں گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اور بھی دوسرے لوگ ابھی گرفتار ہونے ہو رہے ہیں, کوئی بات بھائی سر. یہ بھی تو طے ہے کہ میں خود موجود تھا جب جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ میں, کئی دفعہ ہم بھی وہاں پہ موجود تھے, مگر لوگوں کا 200 کا ڈیلیگیشن, 500 پاکستانی بزنس مین سے زیادہ ان کے کبھی بھی اتنا بڑا ہم نے لوگوں کا کہہ سکتے ہیں کہ الٹا ہوا سمندر جو ہے جو کل نظر آیا, اسی طرح نظر نہیں آیا, مگر کل کے مناظر جو تھے انہوں نے تو ہلا دیا ہوگا آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ بینظیر صاحبہ کا بھی استقبال عالی شان ہوا تھا, نواز شریف کا ہوا ہوگا, کم ہوا ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایز اے گلیمر پرسنلٹی عمران خان تو پہلے سے لوگوں میں ہی تھے, یعنی ایک ان کی شخصیت جو تھی. چلے وہ بینظیر کے جو مناظر ہیں, میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ مناظر ہیں جو پہلی اسلامی خواتین جو وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں کہ خاتون کی حیثیت کے اس کو اعزاز بھی تھا, اور جس طرح سے کانگریس میں ان کا استقبال کیا, یہ تھوڑے مناظر تاریخ کے دیکھ لیں, کیونکہ وہ تاریخ ہم بھول جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اسی پہ بات کریں گے. Republic of Pakistan. We set as our focus reconciliation, not retribution. Some claimed to fear revenge, revenge against the murderers and the torturers, revenge against those who subverted constitutional law. But ladies and gentlemen, there was no revenge for them. And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. جی یہ وہ ناظر تھے جو تاریخ میں واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا, اور جس طرح سے کانگریس میں کھڑے ہو کے تمام ان کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹر نے اور تمام ان لیڈرشپ نے اور مرکزی قیادت نے محترمہ بینظیر بھٹو کو ویلکم کیا, یہ بھی ہے. شمیم منتظر صاحبہ ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت نکالا, آپ سے ہی سن پا رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں, بہت آپ کا بھی شکریہ. جی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایک تو کل کے دورے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب دورہ اور اتنا شاندار استقبال جناب عمران خان صاحب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں پاکستان کے تعلقات ان سے بہت اچھے ہونے چاہیے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, سب کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اس خطے میں جب ہمیں رہنا ہے تو. لیکن اس میں آپ شاندار کی بات کر رہے ہیں تو ہاں بالکل بہت شاندار استقبال ہوا. وزیر خارجہ خود وہاں موجود تھے پاکستان کے, انہوں نے ان کا استقبال کیا, اور وہاں سے تو کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ کوئی استقبال کرنے آتا امریکن آفیشل سے. ہم منصب کو تو چھوڑ دیں, کوئی نکلے منصب کا آدمی بھی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا, اور بالکل ایسا گمان ہوا جیسے کہ وہ اور ممالک میں جاتے ہیں یا اور ملکوں کے سربراہ آتے ہیں اور وہ ڈرائیور کا کردار ادا کرتے ہیں. تو معاف کیجیے گا, معذرت کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے پرائم منسٹر, لیکن وہاں پر پرائم منسٹر کم اور کنٹینر پہ کھڑا ہوا عمران خان زیادہ نظر آیا, کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک کمیونٹی کو بلا کر خطاب کیا اور اس کمیونٹی کا تعلق تھوڑی دیر پہلے میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے مناظر بھی وہ یادگار مناظر تھے جو ابھی میں نے دکھائے ہیں پاکستان کے لوگوں کو, کہ پہلی وزیر اعظم جب خاتون کانگریس میں گئی اور جس طرح سے شاندار ان کا استقبال کیا گیا, تو وہ مناظر بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائیں گے. تو کیا فرق ہے بینظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, پھر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان میں؟ نہیں تو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں آفتاب کے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کا فرق جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئر. چلے لائن پہ رہیے گا, خالد منتظر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, اسرار عباسی صاحب ہیں اور حسین تھیبو صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ سر. خالد منتظر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا
کہ کئی چیزیں کئی لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہیں اور اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف نے یہاں 2/3 میجورٹی بھی حاصل کی ہے, وہ تو عمران خان نے نہیں حاصل کی ہے. اب آپ کہیں کہ صاحب کسی ایک جلسہ وہ بھی باہر آ جائے اور اس سے بھی حاصل کرنے کے بجائے وہاں آپ میسج اگر غلط دیں تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. آپ کو بحثیت وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم ہی گفتگو کرنی چاہیے. یہ آپ کو جو ہے یہ اب یہ جو اپوزیشن میں رہے کہ یہ جو باتیں کرتے رہے یا یہ آپ کے جو وزیر کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں. اسرار عباسی صاحب کیا کہیں گے کہ سر کل کے مناظر اور تھوڑے دیر پہلے جو ابھی میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے مناظر آپ کو دکھائے کہ ایک طرف وہ وزیر اعظم تھی خاتون وزیر اعظم جس کو جس طرح سے پوری کانگریس نے کھڑے ہو کے اور جس طرح سے ان کا ویلکم کیا, مگر شمیم منتا صاحبہ کا اور خالد منتا صاحب کا یہ ہے کہ کل وزیر اعظم نہیں دکھے مگر کوئی آفیشلی لینے ریسیو کرنے بھی نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آفتاب. اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سربراہ نے مملکت جاتے رہے ہیں وہ اسپیشل طیاروں سے, کسی عام پرواز سے کبھی ملک کا سربراہ کبھی بھی نہیں کیا. چلیں یہ اچھی بات, ایس او پیز میں بات بتا رہا ہوں. تو اور اس طرح آفیشلی تو جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے پریزیڈنٹ جو استقبال کریں گے, کوئی اگر یہ جاتے اپنی اسپیشل پرواز سے تو ڈیفینیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی ہائی آفیشیل. اب عام پرواز پہ تو کوئی ہائی آفیشیل نہیں آ سکتا, یہ تو ایک الگ بات ہے. جس طرح محترمہ کا آپ نے فرمایا, محترمہ سے سیاسی اختلاف آپ کا اپنی جگہ, لیکن ان کے سیاسی پائے کی ضرورت تھی. اس میں کوئی آپ دہرائے جیسے کل ذوالفقار علی بھٹو کا جناب وزیر اعظم عمران خان نے چلیں ذکر کیا کہ قائد اعظم اور کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بعد ایک مجھے کوئی لیڈر نظر آیا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نظر آیا. دیکھیں ہمیں اچھی بات ہے جو ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکل میچورٹی, ہم بہت سے اچھے پولیٹیکل ورکرز مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ٹلٹ ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف چلا جاتا ہے, مناسب نہیں ہے. محترمہ کے جو استقبال تھا وہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی, وہ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم نہیں تھی. ہمیں ایز اے پاکستانی اس پہ فخر آنا چاہیے. کل اگر عمران خان کے اور بینظیر صاحب یہ بھی ان دونوں پارٹیوں کو یہ اعتراض ہے کہ کل عمران خان جب وہاں پہ اسپیچ کر رہے تھے تو بین دا پرائم منسٹر پاکستان کرتے, نہ صحیح پاکستان طریقے انصاف پہ کھڑے ہوئے چیئرمین کنٹینر پہ بات کرتے, وہاں پر انٹرنیشنل پوری ورلڈ کی نظریں کل اس جانب تھیں, پڑوسی ملک ہندوستان سمیت پوری دنیا نے دیکھا ہے. پاکستانی تھی مگر میسج ورلڈ وائز جا رہا تھا. میری گزارش آپ بتاتے کہ ابھی محترمہ کی آپ نے اسپیچ سنائی نا جی, محترمہ نے بھی کیا کی, انٹرنل پالیٹکس کی بات کی وہاں کہ جو ڈکٹیٹرز نے انٹروین کیا وہ آج نہیں اور میں ان سے انتقام نہیں لوں گی, جنرل ضیاء کی طرف اشارہ کیا. لیکن وہ جو کراؤڈ تھا یہ تو ایک کانگریس کا کراؤڈ تھا, وہ کراؤڈ صرف اور صرف پاکستانی کمیونٹی تھی. اور پاکستانی کمیونٹی جب سے گورنمنٹ آئی ہے ان کی ایکسپیکٹیشن ایک ہی ہے کہ عمران خان جس نعرے کے ساتھ آئے کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے اور جن سابقہ ادوار کے حکمرانوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, تو وہ سننا چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کا سٹانس کیا ہے. تو جو آڈینس ہے وہاں اور پھر جب ٹرمپ کے ساتھ بات کریں گے یا کانگریس سے بات کریں گے یا ان کے تھنک ٹینک سے, وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. موقعے کی مناسبت مگر کیا یہ طے ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو یہ کہنا کہ میری جیب میں میں پرچیاں رکھ کے لایا ہوں, پرچیاں نکال کے بات کروں, یہ بھی بات ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ کی آڈینس کون ہے؟ آپ کی آڈینس وہ پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی جو آپ کی سٹرینتھ ہے. صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اتفاق کرتے کل وہی کریں گے جو الطاف حسین اپنی آڈینس کو کرتا تھا نا, مطلب یہ آڈینس دیکھ کے آپ کا یہ اشارہ مجھے سمجھ میں ادھر ہلائیں گے. خالد بھائی, خالد بھائی تو الطاف حسین سے نکل ہی نہیں سکے ابھی تک. وہی چلے حسین دیبو صاحب, کیا آپ کیا کہیں گے سر کہ کل کے اس تاریخی مناظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کہ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ, میرا وہ اپنا لائیو پروگرام تھا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. میں آپ سے سب سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کون آیا ریسیو کرنے اور کون نہیں آیا, اس کا میں آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتاؤں. امریکہ میں 5 ٹائپ کے وزٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 اسٹیٹ وزٹ, نمبر 2 آفیشیل وزٹ, نمبر 3 آفیشیل ورکنگ وزٹ, نمبر 4 ورکنگ وزٹ, نمبر 5 پرائیویٹ وزٹ. جو پہلا ہے اسٹیٹ وزٹ, یہ خود ٹرمپ صاحب جو ہے یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو وہ دیتا ہے, اس کے لیے 4 دن وہاں اسٹے ہوتا ہے, اس کو 21 توپوں کی روزانہ سلامی دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو وائٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے لنچ, اس کے ڈنر, اس کے بریک فاسٹ سب کچھ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں, وائٹ ہاؤس کے اندر, ٹھیک ہے. نمبر 2 آفیشیل وزٹ, آفیشیل وزٹ میں 3 دن کی وزٹ ہوتی ہے, 3 دن کے اندر اس کو 19 توپوں کی روزانہ سلامی دی جاتی ہے اور وہ وائٹ ہاؤس کے برابر اکوموڈیشن میں اس کو ٹھہرایا جاتا ہے. نمبر 3 جس کے اوپر 3rd کیٹیگری کی جو وزٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ابھی وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, اس کا نام ہے آفیشیل ورکنگ وزٹ. اس کے اندر کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی لنچ نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی ڈنر نہیں ہوتا, کوئی بریک فاسٹ نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے
कि वो उनको बुलाए तो उसकी मर्जी, ऑफिशियली कोई नहीं। अगर अपनी तरफ से कोई खाना वाना खिला दिया तो कोई खाना। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा जिक्र कर दूं कि वो जो वर्किंग विजिट होता है वो होता है कि आप इनविटेशन करें, आप इनविटेशन दें कि मुझे बुलाएं। प्राइवेट विजिट ये होता है कि आप कोई स्टेट टू स्टेट बिजनेस करने जाएं, वो प्राइवेट विजिट होता है। अब इसके अंदर पहली बात तो ये है कि वजीर आजम साहब को थर्ड कैटेगरी की इनविटेशन मिली है जिसके अंदर ये प्रोटोकॉल होता ही नहीं। ये मतलब ये थोड़ी कि रियासत तो रियासत बात हो रही है ना, ये तो नहीं कि भाई वो किसी प्राइवेट एयरलाइन से गए तो इसीलिए वो इसीलिए नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये की बात है ना, ये तो स्टेट स्टेट प्रोटोकॉल होता है। ऐसा थोड़ी कि अपनी गाड़ी में नहीं गए और टैक्सी पे आए तो नहीं, नहीं वो तो रियासत स्टेट का प्रोटोकॉल होता है ना। वो पूरा फ्रेम होता है कि इसको कितने क्या सलामी देनी है, क्या खाने में देना है, क्या वो सारा चीज़ पहले सारी चीजें पहले से डिस्क्राइब होनी। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये है कि जब वजीर आजम साहब का उनको वजीर आजम साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी जो है ना उसके अंदर करिश्मा है, नो डाउट अबाउट। वो खुद भी खड़े हो जाए तो वो 5000 आदमी खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो बात मानते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। इमरान खान यहाँ तो 30,000 का दावा है ना, 5,000। मैं तो कहता हूँ 30,000 नहीं, चलो इनके कहने पे हम 50,000 कर देते हैं, लेकिन क्या है हाल माना कि वो 20,000 का ठीक है, लेकिन मोदी अभी गया था उसके ऊपर 18,000 थे लोग, उससे ज्यादा थे, इसको हमने मानना पड़ेगा कि लोग 30,000 के करें। लेकिन बात ये है कि अब आप वहां पे इमेज बिल्डिंग के लिए गए थे, पाकिस्तान के ऊपर जो बिजनेस अभी डिसकंटिन्यू हो रहा है आपने इमेज बिल्डिंग करना था कि पाकिस्तान के अंदर अभी कौन कौन से एवेन्यूज हैं। उधर सिर्फ आपको पाकिस्तानी नहीं सुन रहे थे, उधर आपको इंटरनेशनल मीडिया वॉच कर रहा था। आप अमेरिका की विजिट करने गए भाई, सुपर पावर की विजिट करने गए, आप जो वर्ल्ड सखर और बनू और आप मुल्तान नहीं गए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। और आपका ये वहां पे बनता ही नहीं था कि ऐसी बंद कर दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, ये कोई बात है? देखे दूसरी बात क्या है, आप दुनिया के सातवें बड़े एटॉमिक पावर हैं, इस्लामिक वाहिद एटॉमिक पावर हैं, आपके ऊपर दुनिया की नजरें हैं। 2020 का इलेक्शन अमेरिका का डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप अमेरिका को क्या से पैसे दे रहे हैं। ट्रंप साहब ने वादे किए थे कि मैं यहां से एग्जिट करूंगा, एग्जिट करने में अशरफ गनी का हाथ होगा, पाकिस्तान 2014 में वहां से अफगानिस्तान से फौजों की वापसी का ट्रंप ने उसने बराक ओबामा ने किया था वादा। जी बिल्कुल ये ट्रंप के मिशन में भी शामिल था कि मैं दीवार बनाऊंगा, हमारे बगैर निकल नहीं सकते, मैं दीवार बनाऊंगा मेक्सिको का और मैं यहां से एग्जिट करूंगा और मैं जम के ऊपर। तो ये अभी हमारा फोकस होना चाहिए था कि हम अपने लिए बात करते हैं कि हमारे पास बिजनेस एवेन्यूज कौन से हैं। आप अब कल आप मिले जिससे जेसी से, वो रिपब्लिकन की ऐसी कंट्रोवर्शियल सी खातून, उसे मिलने की जरूरत क्या थी? आप अभी तक तो किसी ऑथेंटिकेट आदमी से वजीर आजम साहब मिल नहीं पाए। कल जो थोड़ी देर में अभी जो मनाजिर नजर आ रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर, वो बड़े तारीखी मनाजिर हैं, कह सकते हैं कि थोड़ी देर में हमारे वजीर आजम दाखिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। कल जितने भी लोग क्राउड इकट्ठे किए, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अली को, सेकंड नंबर पे बड़ा क्रेडिट जाता है जुल्फी बुखारी को, और भी हैं कुछ लोग जो मतलब मैं, बड़ी फेरिस नाम लिए। मैं बड़े बड़े नाम बता दूं तो सबसे ज्यादा जो है ना वो ये जो बैंक वाला साहब है, सिद्दीकी साहब बेटा है, सबसे बड़ा इसको क्रेडिट जाता है। इसमें से आधे लोग इसके थे, वजीर आजम साहब के नहीं। देखो वजीर आजम साहब हमारा है, हम पाकिस्तानी, हमारा प्राउड है ये। चलें, शमीम मंता साहिबा आप क्या कहेंगी कि एक तो ये है, दूसरी तरफ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वहां पर कि जब वापस जाऊंगा पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने वादा किया है कि ऐसी भी छीन लूंगा और टीवी भी बंद कर दूंगा जो जेलों के अंदर है, खाना तो पहले ही हमने बंद कर दिया है, मगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा इससे ज़्यादा तो हम खोलियों में आज गुजार चुके हैं और बड़ी तकलीफें हमने देखी हैं, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है? बिल्कुल, मैं तो ये बात कहूंगी कि ये उनसे बताता है जो जुमला उनका कि मैं एसी बंद कर दूंगा और मैं ये बंद कर दूंगा, ये बताता है कि वो कितने ज्यादा अंदर से मुखलिस हैं और उनका एजेंडा क्या है। जो 22 साल उन्होंने मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, वो 22 साल के ऊपर उनके एक जुमले ने पानी फेर दिया कि जी वो अपना शायान शान तो देखिए, आप पाकिस्तान के पीएम है, वजीर आजम है, आप हेड की कुवत है, आप वहां जाके बजाय ये कहने की पाकिस्तान जो है आगे किस जगह जा रहा है, आप उल्टा पाकिस्तान को करप्शन का नाम देके सारी दुनिया आपको देख रही है। जैसे अभी आपने तस्वीर निकालने का बिल्कुल उन्होंने ठीक कर, सारी दुनिया आपको देख रही है, आप एक मुल्क के वजीर आजम है। आप तो मुझे लगा जैसे वो डीजे के किसी कॉन्सर्ट में गए थे वहां पर चंदा जमा करने के लिए, कहा ये अपने शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी, हम कशकोर लेके नहीं जा रहे, मेरे भाई हम तो पाकिस्तान को बेचने चले गए। आप जाते वक्त अपनी काबीना को या अपनी असेंबली को, असेंबली के लोगों को आपने इस बात पर लिया था,
आपसे वो एजेंडा डिस्कस किया था जिस एजेंडे पर आप बात करने जा रहे थे। आप अगर बीबी शहीद की बात करते हैं, आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, या आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, नहीं मगर अमेरिका में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि तमाम सहूलतें छीन लूंगा, तो इसमें जब आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम गोलियों में भी रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, तो वकीकतन तो ये बात तय है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी है वो भी तो ये चाह रही है कि एहतसाब बराबर की तौर पर हो। मुर्गी चोर के अगर ऐसी की सहूलत नहीं है तो करोड़ों और मिलियंस डॉलर के चोर को ऐसी और टीवी की क्यों सहूलत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जो है वो खोलियों में नहीं रह सकते, हम रहने के आदि हैं क्योंकि हम आबादी लोग हैं, हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। पहले तो ये उस वक्त में जो ये मगर जरदारी साहब ने तो कह लिया, मगर जरदारी साहब की और भी स्टेटमेंट है कि मियां साहब जेल से इसीलिए भाग गए कि मच्छर काट रहे थे और उन्होंने समझौता कर लिया और मुल्क छोड़ के चले गए, तो फिर मियां साहब का क्या होगा? चले जरदारी साहब तो रह लेंगे, ये मियां साहब जवाब दे सकते हैं या मियां साहब की पार्टी जवाब दे सकती है। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ कि ना हम पहले कभी करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ये मियां साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं खालिद मंता साहब, वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि वाकईतन अगर जरदारी साहब ये फरमा रहे थे कि इनको मच्छर काट रहे थे तो ये मुल्क छोड़ के भाग गए, अगर एसी छीन लिया, पंखा भी बंद हो गया और टीवी भी बंद हो गई, तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं होगा कि फिर कोई एनआरओ जो कल जनाब इमरान खान साहब ने कहा नहीं दूंगा, तो आगे फिर सियासत का या फिर मियां साहब का और उनके रहनुमाओं का जेल के अंदर क्या होगा? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आज बात हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान थोड़ी देर में जो है मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, और वो मुलाकात बड़ी अहम होगी जिसमें आर्मी चीफ पाकिस्तान भी होंगे, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी साथ होंगे, जुल्फी बुखारी साहब भी साथ होंगे, और भी जो है रहनमा और सीनियर क़यादत जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मौजूद होगी। कल जनाब इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो कि कह सकते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह पे बहुत हो सकते हैं सियासी नज़रियाती, मगर उन्होंने कहा कि हम जो है भीख मांगने नहीं आए इस मुल्क में और लोगों से और ख़ास तौर पर अमरीका से, बराबरी की सतह पर बात करेंगे और नज़रें नज़रों में मिला के बात करेंगे, झुका के बात नहीं करेंगे। खालिद मंता साहब, एक तो तय है कि माजी में पर्चियां निकाल के पढ़ते रहे, और पहले भी मैंने एक सवाल छोड़ा था कि उन्होंने कहा कि मैं टीवी और ऐसी छीन लूँगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रही है और उनके साबिक सदर, तो हम तो रह लेंगे खोलियों में, मच्छर काटने की वजह से आप मुल्क तो छोड़ के नहीं भागेंगे, एक सवाल तो ये है मेरा। बात यह है कि जब खाने के बगैर कैसे नहीं रहेंगे, खाना रोक दिया घर का तब भी तो रह रहे हैं ना, अब रोक दिया वो भी रह रहे हैं। चलो वो अगर इमरान खान ने ये तय किया है कि वो ये तकालीफ बढ़ाएंगे, अपने बदला लेंगे न जाने किस चीज का, तो भी सियासी कारकुन भी और उतना मजबूत होता चला जाता है। नवाज शरीफ कोई एक जो है वो एक आम आदमी नहीं है, 3 दफा का वजीर आजम है, एक मजबूत सियासी कारकुन है, लेकिन नरमी और गर्मी तो किसी वक्त भी होती, अभी तो आपने जेल भी नहीं देखी है, आपने कब देखी है? और ये जो बात करना भी इस डायलॉग का कि मैं अमेरिका में भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये डायलॉग है आवाम को सुनाने के लिए, गए तो हर जगह लेने के लिए, और वो चंदा वो कर्ज जो बाकी लोगों ने पूरे कई साल में लिए, जिन्होंने एक ही साल में पूरा कर लिया, तो ये कहना कि देखिए हम, मेरा सिर्फ ये अर्ज है कि आप वजीर आजम हैं, ठीक है आप बने, और जिसने बनाया उसको भी आप साथ लेंगे, ये भी चलो अच्छा किया आपने, ताकि कोई इख्तलाफ का सिलसिला भी ना पैदा हो, लेकिन अगर आप सियासत के अंदर कारकुनों में नफरत पैदा करेंगे तो उसके नतीजे खराब होते हैं, और जो माजी में इस शहर ने भी देखा और इस मुल्क में देखा पहले वजीर आजम भुट्टो साहब के दौर में, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपका बोहदा है वजीर आजम, आप चाहे वो जलसे में खड़े हों, चाहे आप किसी कतार में खड़े हों या किसी जगह, हैं आप वजीर आजम ही। जब आप आम एयरलाइन में जाते हैं तो दावा करते हैं कि मैं बाहर, तब भी तो आप वजीर आजम, इसीलिए तो क्रेडिट दे रहे हैं, तो जलसा करें तो आप वजीर आजम नहीं है। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सफर किया है आम फ्लैट में, मिराज खालिद साहब का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी सफर किया है आम फ्लैट में, ये बात नहीं कि पहली दफा है, हर चीज पहली दफा हो रही होती है। मगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया,
उन्होंने किया मैं उसका बता रहा हूँ, मैं उनका बता रहा हूँ, आपके कायद की बात, मैं तो उनका बता रहा हूँ कि पहली दफा इन्होंने नहीं किया, पहले भी लोगों ने किया, मैं वो मिसाल दे रहा हूँ। अब कौन कितना सही कर लेता है, कौन कितना गलत कर लेता है, ये बात आवाम फैसला करेगी। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी चाहत के बावजूद भी आप अमेरिका में इतने बड़े तादाद का दावा करने के बावजूद भी ऐसा तो नहीं हुआ। मौलाना डीजल को आपने, मौलाना फजल रहमान को और मौलाना डीजल के नारे लगे, उन्होंने कहा कि उनको भी जेल में डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कहा कि जी हमारा लोग अगर इमरान खान की माजी की तस्वीर ऐसे हाथ में उठा के और जो कराची में एक दफा नारे लिखे गए थे अल्लाह माफ करे, जो आज इनके साथ हैं, ये सब भी फिर इसी गंदी सियासत का हिस्सा बना लें। आप सियासत में सिर्फ ये तो नहीं, आप सियासत में एक मोरल पॉलिटिक्स होती है कि आप अपने लोगों को बेहतर बनाने की। मुझे ये बताएं कि क्या हासिले मकसद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। अगर प्रोड्यूसर साहब मुलाकात शुरू हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुई मुलाकात शुरू, क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं आ रही ऐसी। मगर इसके साथ साथ तय है कि अगर इस मुलाकात में हासिले मकसद क्या होगा, हमें अमरीका की जरूरत है या अमरीका को हमारी जरूरत है? क्योंकि मैंने कहा था कि 2014 के लिए बराक ओबामा ने कहा था कि हमें अपनी फौजें निकालनी और पाकिस्तान की मदद की सिवा नहीं निकाल सकते। इसराबाजी साहब क्या होगा? देखिए, दो चीज़ें पहले मैं आपके सवाल से पहले क्लियर कर दूँ। एक तो शमीम मुमताज़ साहब चली गई हैं, जो जरदारी साहब का आप कह रहे हैं ना खोलियों, अगर आप उनके पूरे टेन्योर उठा के देखें, जो उनकी असीरी का टाइम वो हॉस्पिटल में ज्यादा रहे, एग्जैक्टली ये सबको पता है। और जितनी उन्होंने डेट्स ली वो खालिद भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, केस चलने नहीं दिया गया और हमेशा ही रोना रोया गया कि 11 साल में कुछ साबित नहीं कर सके, वो एक अलग बहस है। देखिए, आज जो आपका सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इस मुलाकात से हासिल क्या होना है और क्या पाकिस्तान को अमरीका की जरूरत है या अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ मौजूदा हालात में अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में जिस बुरे तरीके से फंस चुका है, ईरान के साथ उसका ऑलरेडी एक रिफ्ट चल रही है, इन हालात में वो पाकिस्तान के बगैर इस क्राइसिस से नहीं, ना वो अफगानिस्तान से निकल सकता है ना वो ईरान के मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। अब आपको चाहिए ये कि आप अपने मुल्की मफादात के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जहां तक वो भीख मांगने वाली बात की है, ये तो कभी भी खान साहब ने, हाँ जिन ममालिक का कहा उन दोस्त ममालिक से बात की और मदद की बात, अमेरिका से हसीना आप लेते हैं मदद हो जाती है, नहीं नहीं फर्क होता है ना। आप देखें इससे पहले जितने हुक्मरान, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, मेजोरिटी जितने हुक्मरान वो अमेरिका के विजिट को अपनी हुकूमत की इंडोर्समेंट समझते थे कि जी हम अमेरिका हो आए और हमने यूएन से भी खिताब कर लिया और अमरीकी सदर से। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अपने तरजीहात तब्दील करनी है कि अब हकीकतन अमरीका को हमारी जरूरत है, हमने अपने विकेट के ऊपर उनको खिलाना है, ये नहीं कि हम उनकी जाके हर बात मानने लगे। और मेरे ख्याल में आज मुलाकात में काफी हद तक चीजें वाजे होंगी। और जो फर्क आप कह रहे हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर का जो लहजा था पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जब अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ बैठेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज आपको नजर आएगी। हुसैन देवो साहब, क्या हासिल मकसद क्या होगा? ये जैसे इसरार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि ये तय करना है कि हमें अमरीका की जरूरत है या अमरीकन को हमारी जरूरत है। वाकईतन लग रहा है कि अब जो है मसला यही है कि अफगानिस्तान से उनको निकलना है। ईरान का इस वक्त इस खत्ते में बड़ा मसला है, मगर पोम्पियो जब आते हैं हिंदुस्तान में तो वो तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं कि हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी जमहूरियत इस खत्ते में कहीं नज़र नहीं आती। तो ये तो डिफरेंट है दोनों, बिल्कुल एक तरफ तो उनको वो नंबरदार बनाने जा रहे हैं, चौधरी वडेरा बनाने जा रहे हैं इस खत्ते में, दूसरी तरफ आपकी भी उनको ज़रूरत है। अच्छा, इसमें सर मैं गुजारिश कर लूँ ना कि ये दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसे हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं। वो सुबह में जो है ना वो गालियाँ दे रहा होता है नॉर्थ कोरिया को, शाम में जाके वहाँ पे कॉफ़ी पी के आ जाता है। तो अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी ऐसे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जिसको आप कहें अनगाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल जो आपने नई टर्मिनोलॉजी, नहीं मैंने नहीं, वो डॉक्टर साहब ने वो, अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमरीका की तरफ से 6 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो मेरी बात हुई है हमारे फॉरेन ऑफिस में। वो सबसे पहले ये बात करेंगे कि आप, अच्छा उनको ये बात इंडियन लॉबी ने ये बिल्ड कर दी है कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान की मानते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी बात उस पे बात होगी कि आप इनको कहें कि ये अशरफ गनी को सेफ पैसेज दें और ये जो हम वहाँ से आएँ। दूसरी बात, दो डॉक्टर हैं, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक अमेरिकन है, वो उनके कब्जे में है।
अब वो एक तो आपके पास भी है डॉक्टर पाकिस्तानी, हाँ वो तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट अच्छा है। वो डॉक्टर दोनों रिलीज करा दें, मेरा नहीं ख्याल कि वजीर आजम साहब आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे, लेकिन वो शकील आफरीदी की बात करेंगे। चौथी पॉइंट ये है कि वो कहेंगे कि आप जो आपके बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप इनके साथ आयरन हैंड के साथ नहीं लड़ते, बस आप ये दिखाते हैं सिर्फ हमें कि ये हमने इनको गिरफ्तार कर लिया हमसे आने से पहले, लेकिन आप उनके साथ प्रैक्टिकल करें और इसको भी समहाउ आप किसी बीच में किसी को रखें जो इसको वाच करे कि आप वाकई इनको आप देख रहे हैं। चौथी बात वो कहेंगे कि आप FETF के लिए जो जो आपके पास शरायत हैं आप वो पहले माने तो हम आपके लिए बात मानेंगे। अच्छा पाकिस्तान हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब जो है वो एड की भी बात करेंगे कि जो हमारी 2 बिलियन रुकी हुई है एंड 800 मिलियन समथिंग जो कैरी लोगर बिल में रुके हुए हैं, वजीर आजम साहब इस पर बात नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब अपना मूड है उनका, अगर वो हुई मैं नहीं समझता कि वजीर आजम साहब उनसे बोलेंगे कि आप हमारे ट्रेड जो है ना वो खोल दें। अच्छा अमेरिका इस पे जरूर बात करेगा कि सीपेक के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि दोनों हम मूड यानी कि एक ही मूड के तबियत के मालिक मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जनाब इमरान खान। अगर दोनों का मूड अच्छा रहा तो दोनों खित्तों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खबर थोड़ी देर के बाद निकल आएगी। अच्छा लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वहां अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट हो ना वो पॉलिसीज जो है ना उनका हाउस सेनेट बनाता है वो उस पर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो प्रेसिडेंट कुछ भी कहते रहे वो कुछ नहीं मानते। अच्छा हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास वजीर आजम साहब एक तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी है, दूसरा उनके पास पीछे टीम नहीं है कि जो उसको जुल्फी बुखारी है, अली जैदी साहब है, शामून कुरैशी साहब है, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको ये एक्सपर्ट क्यों नजर नहीं आ रहा, इतनी अच्छी तकरीर कही कल शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी तक वजीर आजम साहब ने भी वहाँ खड़े होकर जो इंटरनेशनल मीडिया खड़ी हुई थी उनके सामने बहुत अच्छी तकरीर की कि मैं इसको भी घसीट दूंगा इसको। तो आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पैसे कहाँ हैं, जिन बंदों को पकड़ा है वो उसके पैसे, आज तक पैसा एक बताते तो सही कि इतनी रिकवरी की है इन 11 महीने में, यानी कि एक साल में हमने इन तमाम पाकिस्तान के लुटेरों से चोरों से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया तो नहीं, वैसे हमें भी नहीं पता कितने पैसे अब तक रिकवर किए हैं कौन से हुए। सर जी अगर आप उनको शाहाना अंदाज की जेल में सहूलियात देंगे तो मैं पैसों का सवाल है, मैं पैसों की बात रिकवरी की बात ही कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ कि जो बात अब की जा रही है कि या तो इनको ये फैसिलिटीज दे दें और जेल उनको जो है घर की तरह लगे, फाइव स्टार होटल है फिर उसमें आप कुछ नहीं। हालांकि सऊदीया का जब ये सारा मामला हुआ उस सऊदी हुकूमत ने तो फाइव स्टार होटल में ठहराया था, उन्होंने फाइव स्टार होटल में ठहरा के भी पैसा वसूल कर लिया था। यहाँ पर हमारे जो मिजाज है बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे यहाँ बजाय आज से कुछ अर्सा पहले अगर कोई चला जाता था जेल तो वो बड़ा शर्मिंदगी का, आज तो करप्शन और चोरी के उसमें जाते हैं और फिर जब बाहर निकलते तो विक्ट्री के निशान बना रहे होते हैं। तो हमारा मिनाजल कौम अभी तक यानी कि कोई पैसा रिसीव नहीं किया, बिल्कुल सर दो लाइन में वाइंड अप की तरफ। मुगीर साहब पहले तो वो रकम ही तय नहीं है कि वो है क्या, किस पे जो इल्जाम लगाते रहे 200 अरब और 300 अरब और फला, ये आज तक किसी जगह ना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ना किसी जज के ऑर्डर में रिकॉर्ड में, तो रिकवरी करेंगे क्या? आपका खुद कोई होमवर्क नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो करेंगे कैसे? मामला देखिए अगर कोई बात होती है तो उसके बाकायदा पूरी प्रिपरेशन होती है। थेवो साहब दो लाइन में, थेवो साहब क्या होगा फाइनल? सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो और पाकिस्तान के लिए जो भी हो, दोनों अनएक्सपेक्टेड लोग हैं, कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया हसन थेवो साहब, इसरार अब्बासी साहब, खालिद मंका और शमीम मंताज साहिबा रहनमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तय है कि आज पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान का थोड़ी देर के बाद दौरा अमरीका और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, मगर हसन थेवो साहब ने कहा जैसे कि अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में कुछ ना कुछ हासिल मकसद यानी कि कुछ हासिल कर सकें, जो कि इस वक्त हमें लग ऐसे रहा है कि हमारी ज़रूरत अमरीका को है। हफ्ता मुगर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।